सलमान खान की अगली फिल्म के बारे में पता चल गया है। वो सूरज बड़जात्या के साथ प्रेम की शादी में काम करने जा रहे हैं। किसी का भाई किसी की जान के बाद से सलमान सचेत हो गए हैं। वो पुरानी गलतियां नहीं दोहराना चाहते, इसलिए उन्होंने अगली फिल्म साइन करने से पहले कुछ महीनों का वक्त लिया, थोड़ा मनन गुणन किया, उसके बाद फैसला लिया। खबरें हैं कि अगस्त से सलमान नई फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। बिड्डे में छपी रिपोर्ट में बताया गया कि सूरज बड़जात्या ने 2020 में सलमान को प्रेम की शादी का कॉन्सेप्ट सुनाया था। सलमान को वो आइडिया तुरंत पसंद आ गया। हालांकि स्क्रीन प्ले फाइनल करने में थोड़ा वक्त लगा। लॉकडाउन के दौरान फिल्म की लिखाई शुरू हुई। पिछले कुछ महीनों से इस फिल्म पर तेजी से काम किया गया। सलमान को फैमिली फिल्में पसंद हैं, प्लस आजकल पब्लिक भी ऐसी फिल्में देख रही। उदाहरण के तौर पर जरा हटके जरा बचके और सत्य प्रेम की कथा को लिया जा सकता है। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि प्रेम की शादी के लिए प्री प्रोडक्शन का काम पिछले महीने ही शुरू हो चुका है। अगस्त से इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है। प्रेम की शादी एक कपल की कहानी होगी जो शादी से लेकर बच्चों को बड़ा करने और बुढ़ापे तक साथ बना रहता है। इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में शुरू होगी, उसके लिए सेट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। प्रेम की शादी को दिवाली 2024 पर रिलीज करने के लिए बनाया जा रहा है। अगले कुछ हफ्तों में फिल्म की हीरोइन और अन्य कास्ट फाइनल किए जाएंगे। प्रेम की शादी सलमान और सूरज बड़जात्या की एक साथ पांचवी फिल्म होगी। इससे पहले दोनों ने मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों पर साथ काम किया है 100% सक्सेस रेट के साथ। यानी सलमान और सूरज की एक साथ सभी फिल्में सुपरहिट रही हैं। पिछले दिनों सलमान खान के करीबी दोस्त के हवाले से एक खबर छपी थी। इसमें बताया गया कि सलमान अब दोस्तों और साथियों के लिए फिल्म नहीं करना चाहते, ना ही अब वो स्ट्रगलिंग एक्टर्स को मौका देने के लिए फिल्में बनाना चाहते हैं। अपनी प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान फिल्म्स के तहत भी वो कुछ दिन काम नहीं करना चाहते, इसलिए दबंग 4 को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया। उसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि सलमान इंशाअल्लाह में दोबारा से दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने संजय लीला भंसाली को अप्रोच किया है, क्योंकि इंशाअल्लाह थोड़ी हटके लव स्टोरी है जो सलमान अपने करियर के इस पड़ाव पर करना चाहते हैं। इसके अलावा एक और फिल्म है जिसे लेकर सलमान गंभीर हैं, करण जौहर के प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म, जिसे शेरशाह फेम विष्णुवर्धन डायरेक्ट करेंगे। बताया जा रहा है कि इस फिल्म के लिए बातचीत अपने आखिरी चरण में है। प्रेम की शादी के बाद सलमान सिद्धार्थ आनंद की टाइगर वर्सेस पठान पर काम शुरू करेंगे। इसकी शूटिंग फरवरी मार्च 2024 में शुरू हो सकती है। विष्णुवर्धन वाली फिल्म वो टाइगर वर्सेस पठान से फारिग होने के बाद चालू करेंगे। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी श्वेतांक ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।